सो हेलो व्हाट इज़ अप गाइज, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव स्क्रू। सो जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ, थंबनेल नहीं लगा पा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो बनाई है वो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी थंबनेल नहीं लग रहा है, कुछ एरर आ रहा है, बार बार वही एरर आके रह गया सभी को। एरर नहीं है वो, एक्चुअली नोटिस देते हैं कि आप पहले अपना चैनल वेरीफाई करिए, और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि वेरीफाई कैसे करना है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें। सो आज मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ जो कि आ रहा है कि थंबनेल लगाने मतलब वेरीफाई करने के बाद भी आप थंबनेल नहीं लगा पा रहे हो, कस्टम थंबनेल्स। सो आपको मैं ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, मैं 2 मिनट का काम है आपको अभी बता दूंगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका एक मैं कारण बता देता हूँ कि आप एक बार ध्यान दें कि आपका चैनल जो है वो यूट्यूब की तरफ से वेरीफाई हुआ है। सो आप ये इस बात को ध्यान रखें कि आपका चैनल जो है वो YouTube की तरफ से वेरीफाई हुआ है। सो कई बार क्या होता है कि साइट रिफ्रेश या फिर आपका अकाउंट रिफ्रेश नहीं हो पाता है। सो आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रॉब्लम का सलूशन। सो आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब स्टूडियो खोलना है एंड वहाँ पे जो आपकी मेन आईडी लगी हुई है जिसमें दिखा रहा है कि आप थंबनेल नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है, जो मैंने वीडियो बताई थी उसके स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आप नहीं लगा पा रहे हो, उस अकाउंट को आपको चेंज करना है, मतलब आपको दूसरी आईडी लगाना है अपनी, उसमें YouTube स्टूडियो में लॉगिन करना तो सभी को ही आता है, आपको जो मेन आईडी आपकी लॉगिन है उसको हटा के देन आपको दूसरी आईडी लॉगिन करनी है, मतलब कोई अनदर आईडी आपके पास पड़ी हो तो उसे लॉगिन कर लीजिए एंड देन अपनी मेन आईडी लॉगिन करिए। उससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा वो रिफ्रेश होकर दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। सो उससे मेरा तो काफ़ी बार हो गया ऐसे, मतलब मैंने काफ़ी लोग को सॉल्व भी किया है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का पढ़ सकते हो, उन्होंने थैंक यू लिखा है, उसका मतलब उनका काम किया है तो आपका भी ज़रूर काम करेगा। मैंने जो आपको अभी बताया है मैं एक और बार आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका पहले से ही अकाउंट लॉगिन है आपको सिंपल सा उसको लॉग आउट करना है एंड देन किसी और के अकाउंट से लॉगिन करिए उसमें, और फिर अपने अकाउंट से लॉगिन कर दीजिए, जो मेन आईडी आपकी थी उससे लॉगिन करिए, फिर आप लगा के देखिए, ये तो 100% आपका वर्क कर ही जाएगा। आप अभी जो आप मैंने आपको बताया वो फॉलो करके देखिए, मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा ध्यान से और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जल्द ही 400 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। सो थैंक यू यार मुझे इतना क्लोज लाने के लिए, और हम जल्द ही 500 भी 400 भी क्रॉस करेंगे अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी, और अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू, और लाइक भी कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर दो अगर इस चैनल पर नए हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।